हेलो दोस्तों, मैं अविनाश सिंह आपका टेक गुरु लेकर आया हूं नॉलेज से भरपूर एक और वीडियो आपके लिए। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सबटाइटल डूडली में हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सबटाइटल एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है डूडली का, जिसको यूज करके हम बहुत से काम अपने आसान कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग सबटाइटल के बारे में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे और सारी सेटिंग्स भी देखेंगे। तो आइए चलते हैं, सीखना स्टार्ट करते हैं कि डूडली में हम सबटाइटल से कैसे वर्क कर सकते हैं। तो ये देखिए, आ गए हम लोग डूडली के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए कुछ पहले से प्री डिफाइन स्लाइड बना के रखी हुई हैं, जिससे आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। तो इसे पहले प्ले करके देखते हैं कि ये सबटाइटल कहाँ पे और किस तरीके से आता है। जैसे मैं यहाँ प्ले कर रहा हूँ, यहाँ नीचे देखिए ये वीडियो चल रहा है और साथ में नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, ये सबटाइटल कहलाते हैं। सभी लोगों को नमस्ते, आज हम लोग डूडली में सबटाइटल का प्रयोग कैसे करें ये जानेंगे। ये जो चीज़ें आ रही हैं इन नीचे की तरफ, इसे हम कहते हैं सबटाइटल। ये सबटाइटल किस तरीके से यूज होता है, इसी चीज़ को आज हम लोग यहाँ समझेंगे। इसके थ्रू आप जो है अपने वीडियो में इंग्लिश या हिंदी में यूज कर सकते हो। सबटाइटल को किसी और लैंग्वेज में लोगों को समझाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप इसे इसलिए भी ले सकते हैं कि अगर आपको नैरेट करना हो तो वीडियो आपका चलता जाएगा, आप इसे जो है अपना वॉइस ओवर देते जाएंगे यहाँ पे जो लिखा होगा। इसके लिए आपको अलग से कुछ भी देखना नहीं होगा। तो वॉइस ओवर करने के लिए भी ये बड़ा आसान सा तरीका है, जिसको सबटाइटल को यूज करके आप कर सकते हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि सबटाइटल ये आता कहाँ से है। तो ये दो तरीके हैं इसको करने के लिए। जो पहला मेन है वो मेन ये है कि सेटिंग पे आप यहाँ पे जाएंगे, इजीगे पे आप, मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। ये यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे सेटिंग के ऑप्शन पे, और ये देखिए यहाँ पे आपको सबटाइटल का ऑप्शन दिख रहा है जो कि ऑन है सभी सीन्स के लिए। अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो अब ये जितनी भी सीन यहाँ पे मैंने बनाई थी उन सबके लिए ये ऑफ हो जाएगा। अगर इसका प्रीव्यू आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये देखिए नीचे यहाँ पे कोई भी सबटाइटल नहीं आ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे सबटाइटल नहीं आ रहा है, आप आगे देखेंगे कि आगे की भी किसी भी स्लाइड में यहाँ पे नीचे की तरफ सबटाइटल नहीं आएगा, क्योंकि हमने सेटिंग से जो मेन सेटिंग है उसी से हमने सबटाइटल को ऑफ कर दिया है। तो ऑफ करने से क्या होगा कि अब किसी भी, भले वो लिखा हुआ है लेकिन वो सबटाइटल किसी भी स्लाइड पे अपीयर नहीं होगा। तो ये किस तरीके से अपीयर होगा, इसे हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें फिर से उसे ऑन करना होगा। तो यहाँ सेटिंग पे जाके हम सबटाइटल को ऑन कर देते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि नीचे की तरफ सबटाइटल फिर से आने लगा। अब ये आ कहाँ से रहा है ये हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे जैसे पहले स्लाइड मैंने ली, यहाँ पे ये सीन सेटिंग है, सीन सेटिंग पे जाएंगे और आप यहाँ पे इस जगह पे देख के पाएंगे ये सबटाइटल है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर स्लाइड का सबटाइटल ऑफ करना चाहते हैं तो आप सिंपली वहाँ पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। अब देखेंगे कि जैसे मैंने पहली स्लाइड का सबटाइटल ऑफ कर दिया है, तो प्रीव्यू पे जाएंगे तो पहली स्लाइड जब एग्जीक्यूट होगी तो आप पाएंगे कि देखिए नीचे यहाँ पे कोई भी सबटाइटल नहीं आ रहा है। जैसी दूसरी स्लाइड आएगी वहाँ पे आप पाएंगे कि क्योंकि वहाँ पे मैंने ऑफ नहीं किया था पर्टिकुलर स्लाइड का, तो इसलिए वहाँ पे उन सबटाइटल्स को ये शो कर रहा है जो हमने ऑफ नहीं किए थे जिन स्लाइड के। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर किसी भी स्लाइड पे आप सबटाइटल दे भी सकते हैं या वहाँ से हटा भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी स्लाइड का सबटाइटल दे सकते हैं। सबटाइटल में साथ में क्या चीज़ें हैं कि आप यहाँ पे उसकी कुछ सेटिंग कर सकते हैं, जैसे उसका फॉन्ट कुछ बढ़ाना है घटाना है वो आप कर सकते हैं। बैकग्राउंड जैसे डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें यहाँ पे कि कोई भी स्लाइड पे जो सबटाइटल है उसका बैकग्राउंड देखिए ब्लैक कलर में है, अगर इस कलर को आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से आएंगे और इस कलर को आप सपोज के लिए रेड में ले लेता हूँ, यहाँ पे इसे मैं रेड ले लेता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ और प्रीव्यू अब देखते हैं। तो ये देखिए पहली स्लाइड का रेड हो गया है जिसकी 70% ऑपोसिटी है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी रेट इसका 70% है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो देखिए फिर से ब्लैक है, यानी कि पर्टिकुलर स्लाइड का ही आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे उसकी सेटिंग। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे जैसे सपोज करिए इसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाते हैं, सपोज करिए 50% कर देते हैं, तो आप यहाँ पे पाएंगे कि इसकी ऑपोसिटी यानी कि इसकी ट्रांसपेरेंसी रेट 50% हो गया है। और अगर आप ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके इसे 100% कर देंगे, इसकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए एक सॉलिड बैकग्राउंड जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये देख बिल्कुल सॉलिड बैकग्राउंड है, इसकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ख़त्म। तो इस तरीके से आप जो है सबटाइटल को
सेट कर सकते हैं अलग अलग स्लाइड के लिए। तो यहाँ पे अगर ट्रांसपेरेंसी, चलिए मैं फिर से जो है अगेन 70% कर देता हूँ। आप फॉन्ट कलर भी यहाँ चेंज कर, जैसे अभी मैं ये वाइट है और इसे मैं ब्लैक कर सकता हूँ, जैसे रेड पे ब्लैक आएगा। तो इसको आप प्रीव्यू करके देख लेते हैं। तो ये देखिए ब्लैक आ रहा है, रेड पे ब्लैक आ रहा है। मेरे ख्याल से वाइट ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसे मैं फिर से चेंज कर देता हूँ वाइट पे। तो यहाँ से आप इस तरीके से अपने सब टाइटल की डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, और इवन फॉन्ट साइज भी आप घटा बढ़ा सकते हैं। सपोज करिए हम यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज 25 से 35 कर सकते हैं। तो पहली स्लाइड पे आप देखेंगे, देखिए फॉन्ट साइज आपका बढ़ के आ रहा है, बैकग्राउंड वाइट है इसलिए ऐसा है। अगर हम यहाँ पे इसे बैकग्राउंड को रेड कर देते हैं, आप देखिएगा अच्छा लगेगा कुछ, ये देखिए इस तरीके से आएगा। और फॉन्ट कलर हम वाइट कर देते हैं, यहाँ से फॉन्ट कलर वाइट कर देते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो ये कुछ खूबसूरत और लगेगा प्रीव्यू पे आके, ये देखिए बड़ा भी हो गया, अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से आप सब टाइटल को यूज कर सकते हैं। इसमें और एक चीज़ है, जैसे अगर यहाँ पे प्रीव्यू में आपको दिखाऊं, सारी चीज़ें हैं, सब टाइटल हर स्लाइड का प्रॉपर आ रहा है यहाँ पे। लास्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि जो सब टाइटल है वो कुछ ज़्यादा आ रहा है, तो उसे हम टुकड़ों में तोड़ भी सकते हैं। टुकड़ों में कैसे तोड़ेंगे इसको भी हम आगे समझ लेते हैं। जैसे अब इस स्लाइड में है, इस स्लाइड में देखिए टेक्स्ट कुछ ज़्यादा आ रहा है या इससे भी ज़्यादा अगर है, तो आप इसे पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। तो वो कैसे आप तोड़ेंगे उसको भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सपोज करिए कि इस स्लाइड के सबटाइटल को आपको तीन पार्ट में तोड़ना है, तो हम क्या करेंगे कि इस स्लाइड की तीन कॉपी बना लेंगे। तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट, ये इसकी पहली कॉपी हो गई, देन अगेन राइट क्लिक एंड डुप्लीकेट। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसकी तीन कॉपी बना ली। फर्स्ट स्लाइड पे आते हैं, जो सब टाइटल इसका है, जितना हमें लेना है। सपोज करिए सब टाइटल आपके द्वारा दी जा रही जानकारी को आसान बना देती है सभी के लिए, बना देती है, यहाँ तक हम लेते हैं। और इसके आगे का ये पार्ट हम यहाँ से हटा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो इसमें इतना पार्ट आएगा। अगले पे जाते हैं, अगेन सीन सेटिंग पे जाते हैं, और चूँकि ये यहाँ तक हो चुका था इसे हम हटाते हैं। मदद से आप वीडियो में दो अलग अलग भाषाओं के लोगों को अपनी बात आसानी से समझा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे जो है एक ही वीडियो से इतना हम जो है ले लेते हैं, और अगला पार्ट हम नेक्स्ट स्लाइड में ले लेंगे। यहाँ पे आते हैं, इसमें हम यहाँ से ये हटा देते हैं और यहाँ से ये हटा देते हैं, लास्ट का पार्ट ये रहता है। अब इसमें सेटिंग कुछ और करनी है, जैसे अब चूंकि पहली स्लाइड तो ड्रॉ हो गया, अगली स्लाइड में ड्रॉ नहीं होना है, तो सबका ड्यूरेशन हम आके जीरो कर देंगे। ये सेटिंग ध्यान देनी है, जिससे लगेगा ही नहीं कि स्लाइड चेंज हो रही है, तो इसे हम जीरो कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे देख लेते हैं, सारी स्लाइड में जीरो अभी नहीं हुआ है मेरे ख्याल से, ये जीरो हम कर देते हैं इसे। सिमिलरली इस पे भी आते हैं और इसे भी हम जीरो कर देते हैं, हर एक स्लाइड का ड्यूरेशन क्योंकि ड्रॉ हो चुका है एक बार, जीरो कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन दोनों स्लाइड का ड्यूरेशन जीरो हो गया है। लेकिन अभी अगर ट्रांजेक्शन होगा तो ट्रांजेक्शन में ये चेंज होगा, तो हम यहाँ पे दूसरी स्लाइड में एग्जिट एनिमेशन को हटा देते हैं और पहली स्लाइड में भी एग्जिट एनिमेशन को हम हटा देंगे, क्योंकि एग्जिट एनिमेशन लास्ट में होना चाहिए। तो इस तरीके से ये काम हम यहाँ करेंगे। अगर प्रीव्यू करके देखते हैं तो ये आपका तीन पार्ट में ब्रेक हो गया है। ये देखिए, ये तो वैसे ही चलेगा आपका पहला पार्ट है, दूसरे पार्ट में भी बिल्कुल ठीक चलेगा जैसा सेटिंग में थी। अब इसके बाद जो पार्ट आएगा वहाँ पे आप देखिएगा, आपको पता नहीं चलेगा ये फर्स्ट ड्रॉ हो रहा है, पता नहीं चलेगा आपको जो है तीन पर। जैसे पहला पार्ट यहाँ पे आया सबटाइटल का, पूरा ड्रॉ हुआ, देन दूसरा और ये तीसरा, इस तरीके से देखिए सबटाइटल आपका चेंज होगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि ये स्लाइड चेंज हो रही है। तो इस तरीके से आप सबटाइटल का यूज कर सकते हैं। सबटाइटल आने के बाद आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा यहाँ पे, और ये जो प्लस बटन है यहाँ पे आपको टैप करना होगा, आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप रिकॉर्डिंग सबटाइटल को देख के कर सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको सबटाइटल के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी और आप भी अब डूडली पे सबटाइटलिंग अच्छे से कर सकते होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नॉलेजफुल टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।